बताइए आपका नाम क्या है बाबू? नाम राहुल कुमार। पिताजी का नाम बताइए। पिताजी का नाम कैलाश प्रसाद। घर कहाँ हुआ बाबू? अकौनाडी नवादा। आप सबसे पहले बताइए, आराम से कंफर्टेबल होइए, पहले आप हड़बड़ाना नहीं, ठीक है? आप बताइए हमको कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तरफ देखिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। आप हमको बताइए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये बताइए। बहुत सारा लोग देख रहे हैं आपको, उनको किसी भी द्वितीय आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी भी द्वितीय आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक विद्युत बल अनुभव किया जाता है, उसी को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। बहुत अच्छा जवाब है, एक बार ताली मारिए जी इनके लिए, ताली मारिए। आप बताइए बाबू विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या? विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्रति एकांत आवेश पर लगने वाली बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। आप हमको बता दीजिए बाबू, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या है? किसी ग्राफीय रूप में निरूपित किया गया विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता किसी ग्राफीय रूप में निरूपित किया जाता है, कुछ सतत के रूप में प्राप्त होता है, इसी ग्राफीय रूप को निरूपित के करने की विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं या बल कहते हैं। आप बता दीजिए बाबू हमको विद्युत ध्रुव क्या होता? जब दो अल्पतम आवेश की परिणाम समान हो तथा विपरीत प्रकृति वाला हो, ये दोनों अल्पतम दूरी पर स्थित हो आवेश की युग्म को ही विद्युत ध्रुव कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा जवाब है, एक बार आओ ताली मारिए इनके लिए जी। चलिए आप एगो फॉर्मूला लिख के बता दीजिए। चलिए थैंक यू लीजिए, आप ए डॉट वी का फॉर्मूला बताइए बाबू। हाथ थोड़ा सा उसमें टच नहीं होना चाहिए, ये लंबा पकड़िए थोड़ा सा। हाँ, ए डॉट वी का फॉर्मूला बाबू, ए डॉट वी का फॉर्मूला लिखना है। एक बार पढ़ के भी सुना दीजिएगा इसको, कॉस थीटा। हाँ ठीक है, आप एक बार पढ़ के डॉट ए बी डॉट ए डॉट बी ए डॉट ए बी मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। चलिए बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। आप हमको बताइए बाबू कि आवेश घनत्व क्या होता है, ये बता दीजिए हम। आवेश घनत्व क्या है? प्रति एकांत लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। अच्छा, सम विभव पृष्ठ आप समझते हैं? सम विभव पृष्ठ क्या होता है समझते हैं? क्या होता है बताइए। सम विभव पृष्ठ किसी विद्युतीय बिंदु पर सम विभव का बिंदु समान हो। किसी विद्युतीय पृष्ठ पर सम विभव बिंदु समान हो। चलिए बहुत अच्छा जवाब है। आप बताइए बाबू विद्युत फ्लक्स क्या? विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स विद्युतीय क्षेत्र में प्रति एकांत आवेश पर लगने वाली बल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, आपसे लास्ट सवाल हम कर रहे हैं, संधारित्र क्या है ये बता। संधारित्र वह युक्ति जिसे चालक एवं आकार को बिना वृद्धि किए बिना ही धारिता को बढ़ाई जा सकती है। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली मारिए इनके लिए।